चीन की लड़ाई पर अब सियासत भी काफी गर्मा गई है। प्रधानमंत्री के इस बयान की कोई घुसपैठ नहीं हुई है, इसी पर राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया है, अगर जमीन चीन की थी तो फिर जवान क्यों मारे गए, कहां मारे गए। राहुल गांधी के ट्वीट पर अमित शाह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने जवान के पिता के बयान का हवाला देकर ओछी राजनीति से बचने की सलाह दी। कि भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और विदेशों को हरा सकती है। राहुल गांधी आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में छा लड़ेगा, अभी फिर और लड़ेगा, शेर बनेगा, ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए, फिर भी लड़ेगा सैनिक साथ ही। तो राहुल गांधी चीन पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं, और इससे पहले भी उन्होंने पूछा था कि जवान बिना हथियार के क्यों भेजे गए। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा, कौन जिम्मेदार है। दो दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं, आप कहां छुप गए हैं, आप बाहर आइए, पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश, बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। तो कल चीन पर सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, सभी दलों ने चीन को सबक सिखाने पर एकजुटता तो दिखाई, लेकिन न सियासत खत्म नहीं हुई है, न विपक्ष के ही सवाल खत्म हुए। कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। एलएसी पर तनाव है, चीन और भारत में गहमा गहमी है, तो दिल्ली में सियासी घमासान है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को लेकर सभी दलों के साथ कल बैठक की, इसके बाद खुलकर बोले, खूब बोले। उन्होंने साफ किया कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा, सारे पोस्ट महफूज हैं, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो ट्वीट कर यहां तक कह दिया कि पीएम ने सरेंडर कर दिया, चीनी आक्रमण के सामने पीएम ने भारतीय इलाके सरेंडर कर दिए। अगर चीन की जमीन है तो हमारे जवान क्यों मारे गए, हमारे जवान कहां मारे गए। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी आक्रामक रुख अपना लिया और एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए। चीन की सेना ने हमारे क्षेत्र में कब घुसपैठ की, सरकार स्वीकार करेगी कि इंटेलिजेंस की नाकामी है। 6 जून की इस बैठक में चीन से कूटनीतिक स्तर पर बात क्यों हुई, चीनी सेना की वापसी को लेकर आगे क्या कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस से उलट महाराष्ट्र के साथियों ने सरकार का पूरा समर्थन किया, पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार ने संवेदनशील मुद्दों और बयानबाजी से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि चीन सीमा पर सैनिक हथियार लेकर गए या नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के आधार पर तय होता है, हम सभी को संवेदनशील मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए। उद्धव ठाकरे तो चीन पर ही बरस पड़े, उद्धव ने कहा कि भारत मजबूत है, मजबूर नहीं, चीन की आदत ही विश्वासघात की है, हमारी सरकार में ताकत है कि आंखें निकाल कर हाथ में दे दे। 45 साल बाद एलएसी पर खून बहा, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, चीन के धोखे से सियासी कुनबा भी आक्रोशित है, हर दल यही चाहता है कि चीन को माकूल जवाब मिले। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।